वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके चिकन टिक्का जो मसालो ठाहियो हे ॾिसो थधो थी वियो और सॉरी पची वियो, हिनखे लाथो आहे थधो थिए। हिनखे पोइ असां पीसे ऐं ब्रेड जे अंदरि भरंदासीं। जेसि ताईं ही थधो थिए त असां छा था कयूं, चणा ठाहियूं था, ठीकु आहे। जब तक इहे जो मसाला मैंने बनाया चिकन टिक्का बोटी जो बनाई है, प्याज ज़रूरु डालना है। इनजो मकसद छा हूंदो आहे, बसर वधीक असां इस्तेमालु छो कंदा आहियूं, छाकाणि त जेको असां गरम मसालो भाॼियुनि में यूज़ कंदा आहियूं हुनजी तासीर खे कटण लाइ, थधे करण लाइ हुनखे असां बसर जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। बसर जी तासीर थधी हूंदी आहे, मैदे जी जिगर जी जेका गरमाइश हूंदी आहे उहा ख़तमु कंदी आहे, एसिडिटी थींदी आहे उहो न थींदी तव्हांखे, ऐं तमामु घणनि जा फ़ाइदा आहिनि। त इहे बसर हिन करे बि इस्तेमालु कबो आहे, ठीकु आहे। प्याज इसलिए बि इस्तेमालु किया जाता है कि जो हम लोग गरम मसाला यूज़ करते हैं सब्ज़ियों में, खानों में, उनको बैलेंस करने के लिए भी प्याज का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो एसिडिटी होती है हमें, मैदे की गर्मी होती है, जिगर की गर्मी होती है, उसको ठंडा करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, हर सब्ज़ी में ये डाला जाता है और हर चीज़ में ये यूज़ होता है, तो ये किया करें, प्याज का इस्तेमाल वैसे भी करना चाहिए। अच्छा, हाणे अचूता कारा चणा ठाही होता, ठीक है। आज जो अब काले चने हमने बनाने, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, बसर थोड़ो कटे वठा पहिरीं, प्याज लेते हैं दो दरमियाने साइज़ के, ठीक है, हाफ स्लाइस कटिंग करेंगे प्याज को। ये बहुत मज़े के चने हैं। एक छोले की चाट मैंने आपको उस दिन बनाना सिखाई थी फ्राई करके, अब हम आलू चना चाट रह गई हैं। दो तीन किस्म की और चने की चाट हैं, लोबिया चना चाट है, तो ये इंशाल्लाह जल्द बनाऊंगा मैं आपके लिए। बसर खणी था वठूँ हिन में हाफ स्लाइस, ठीक है। इसमें प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होगा, ये वाले जो हम छोले बनाएंगे। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, बहुत मजा आ रहा है। सिंधी नहीं बोलना आती मुझे, मगर फिर उर्दू में बात कर रही हूँ मैं आपसे। जी कहाँ से बात कर रही हैं, कौन? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी जी, आप जो पका रहे हैं बहुत अच्छा बना रहे हैं, थैंक यू। और आपके सवाल का जवाब दूँ? बिल्कुल दीजिए। ये इशा की नमाज पढ़ाई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, नोट कर लेते हैं, फिर लास्ट में देखती रहेगा कि हम ना फिर आपको बताएंगे, वो कुरान दाजी सी होती है, ठीक है। ओके 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 जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, पैसिफिक कुकिंग ऑयल में ठंड पई शयूं, वाइटामिन ए ऐं डी खां भरपूर, कोलेस्ट्रॉल का पाक, बेहतरीन कुकिंग ऑयल आहे, वेट नथो वधाए। पंहिंजनि जो प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑयल सां गॾु हिन जी बनास्पति घी बि अवेलेबल आहे, जंहिंमें तव्हां सहरी जा पराठा ठाहियो, ठीकु है। पैसिफिक कुकिंग ऑयल यूज़ करें, बहुत अच्छा कुकिंग ऑयल है। इसमें रेसिपीज़ जो मैं बना रहा हूँ आप लोग के सामने, बहुत अच्छी बनती है। बनास्पति घी आजकल इम्तियाज पे और काफ़ी स्टोर्स पे ये अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा ही कुकिंग ऑयल है। और ये जो रेसिपीज़ मैं बना रहा हूँ इसी में बन रही हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि मेरा प्रोग्राम जो है ये, अगर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, या वैसे तो आप लिखेंगे SindhTVHD, ठीक है, SindhTVHD उस पर आप लिखेंगे गूगल पे, SindhTV स्पेस के बगैर HD लिखेंगे, D फॉर डॉल, तो उस सारे फॉर्मेट खुल जाएंगे, उसमें मेरे कुकिंग शो भी आपको मिलेंगे, हमारी लाइव ट्रांसमिशन्स जो जा रही हैं वो भी आपको मिलेंगी। कोई भी आपको रमज़ान का सेगमेंट चाहिए 7-8 रोज़ों का, वो सारी रेसिपीज भी उसमें होंगी, ड्रामा भी आएंगे का भे थी वो। पैसिफिक कुकिंग ऑयल इतने गर्म क्यों था, ठीक है, वधीक ना विझंदासीं, तकरीबन 4 से 6 टेबल स्पून डालूंगा पैसिफिक कुकिंग ऑयल। अच्छा, इसमें सरसों का तेल भी यूज़ होता है, ठीक है, लोग सर ये ओरिजिनल जो रेसिपी, लेकिन लोग खाते नहीं है तो इसलिए मैं डाल नहीं रहा हूँ, सरसों का तेल भी इसमें यूज़ होता है, ये देखें। अच्छा, उसकी स्मेल होती है वो ख़त्म करने के लिए क्या होता है कि तेल को आपने बॉयल करना होता है। एक दफ़ा उसमें बॉयलिंग डाल करने से पहले या तो उसमें लहसुन डालें, जलाएं लहसुन को, या डबल रोटी का रोटी का पीस, बड़ा बासी रोटी हो भले, उसका एक बड़ा पीस डाल के उसको जला दें, वो बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी, बिस्किट की तरह हो जाएगी, वो निकालेंगे तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। दूसरा ऑप्शन ये कि आप लहसुन के 2-3 जगह उसमें जला लें तो उसकी स्मेल ख़त्म होगी, उस तेल को ठंडा करके फिर दोबारा यूज़ करें या बोतल में भर के रख दें, तो उससे क्या होता है वो तेल कभी भी स्मेल नहीं करेगा, ठीक है। सरे जो तेल जो है इनके असां यूज़ कीअं कंदा आहियूं, हिन जेका हीअ रेसिपी ठाहिण में सरे जो तेल असल में यूज़ थींदो आहे, लेकिन मां हिते न पियो विझां। तव्हां छा कजो, सरे जे तेल खे गरम कजो, हुन में थूम जी घणियूं 2-3 छॾिजो, या मानी जो हिकु वॾो टुकड़ साड़े कारो करे छॾिजो, उहो कढी वठिजो, त हुनजी स्मेल ख़तमु थींदी। ऐं अहिड़ो ताक़तवर आहे थी वेंदो आहे सरे जो तेल पचण खां पोइ, बॉयल थियण खां पोइ, के जीअं देसी गिहु सचो गिहु असां खाईंदा आहियूं हुन खां बि वधीक ताक़तवर हूंदो आहे, तमामु बहितरीन आहे ऐं खाइणु खपे, लेकिन असां खाईंदा न आहियूं त हीअ खाइणु खपे।
अच्छा इतने बसर के वधिक गाढ़ो न करनो, थोड़ो लाइट गोल्डन करना है, ठीक है। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट सा गोल्डन करना है। इसके बाद हमने इसमें डाल देना जीरा और कड़ी पत्ता, ठीक है। प्याज थोड़ा हमारा गोल्डन कलर में आएगा, इनमें विंदो जीरो बसर के गाढ़ो न करना, ठीक है। जीरो एक खाण जो चमचो विझा पियो, एक टेबल स्पून जीरा चला गया, कड़ी पत्ता इसमें जाएगा 6 से 8 या 10 पत्ते। कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया इसमें, वॉश करके डालिएगा। कड़ी पत्ता इसके साथ भगार बनेगा इसका, अगर कड़ी पत्ता ना है तो कोई ज़रूरी ना है, ठीक है। चंगी तरह के बचायो जीरे जी एंड कड़ी पत्ते की खुशबू निकली अच्छे, ठीक है। जीरे और कड़ी पत्ते की खुशबू निकल आएगी, उसके बाद हमने इसमें मसाले डालना शुरू करना है। अच्छी तरह इसको पकाएं, लेकिन प्याज कोशिश करें कि गोल्डन कलर से ऊपर ना जाए, लाइट सा पिंकिश कलर आ जाए लेकिन गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये थी वो जडे हिन पचन लगन तो इनमें ऐसा मसाला चाचा विझंदा से हेड विंदी कुटेल गाढ़ो मिर्च विंदो लूण विंदो, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है सिंपल रेसिपी है, इन सा गो सावा धाणा चॉप करता छूँ और सावा मिर्च एक असा इनमें विझड़ा है। कॉल वठूँ तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं कसर? बिल्कुल ठीक ठाक। शबाना क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। आज तो बड़ी अच्छी शर्ट पहनी हुई है, नई शॉपिंग कर ही ली है आपने? मैंने शॉपिंग की है? मैंने कहा कि अच्छी शर्ट पहनी हुई है, नई शॉपिंग आपने कर ली आपने। आप मेरी शर्ट नोट करती हैं कि कब की कौन सी पहन के आ रहा हूँ? क्या कह रहे हैं? कह रही आप नोट करती है मेरी ड्रेसिंग। जाहिर बात है नए ड्रेसिंग का पता चल जाता है ना, वो पुराने पुराने जो रिपीट करते रहते हैं उसका अलग होता है। अच्छा मैंने फैसल आपको ये कहना था कि वो जो लाहौर में पठोड़े मिलते हैं और वो जो छोले मिलते हैं, कतलम्बे मिलते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ, तो उसकी मुझे रेसिपी चाहिए थी जरा इजी वे में। पठोड़े बहुत मुश्किल रेसिपी है उसकी। हाँ, वो तो आप कोशिश करें कि उसको किसी इजी तरीके से बताएं। मैं रमजान में ही बना दूंगा। पठोड़े छोलों के साथ सर्व होते हैं, जो रायता होता है, मूली होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे हैं। अच्छा, मैंने बहुत खाया, मैं लाहौर में रहा भी हूँ 4 साल, तो मैंने बहुत खाई ये चीजें ना। हाँ हाँ, तो वो सीमे वाला कतलम्बा खाया है आपने? हाँ जी खाया, और आपने शायद वो भी खाए होंगे वहाँ लड्डू जो मिलते हैं वो चटनी के साथ। हाँ हाँ वो भी, वो उसके साथ वो सर्व करते हो मूली के साथ? हाँ जी मूली के साथ सर्व होते हैं वो। इंशाल्लाह लाहौर की क्या आपने यादें ताजा करवा दी हैं। इंशाल्लाह मैं बनाना सिखा दूंगा ये रमजान में ही, मेरा इरादा है इस टाइप की रेसिपीज जो लाहौर की फेमस रेसिपीज है ना, तो ये भी हम बनाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा मैं सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल दीजिए। ये है जुमे की नमाज। अच्छा ठीक है, नोट कर लेते हैं शबाना, फिर लास्ट में जो प्रोसेस होता है ना तो बताएंगे, ठीक है। जी जी ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा हाँ, इनमें विंदो एक चाय जो चमचो भरे विजंदा से हेड, एक चाय का चम्मच भर के डालना है हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, खंड कुटिया का रेड इंडिया ने एक टेबल स्पून, नमक आधा चाय का चम्मच, ठीक है। लूण अधे चाय जो चमचो, हेड एक चाय जो चमचो भरे विझंदासीं, पीठल गाढ़ा मिर्च सॉरी कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो या डेढ़ चाय जो चमचो भरे विझो, लूण अधे चाय जो चमचो हली वो इन सा गड, ठीक है। खंड एक खाण जो चमचो, हमने क्या डाला, हल्दी एक चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च नहीं डालनी, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच या डेढ़ चाय का चम्मच, चीनी एक खाने का चम्मच और नमक आधा चाय का चम्मच डालना है और इसको भूनना है जी। अच्छा छोले डाल दिए मैंने इसमें, ठीक है। अच्छा हल्दी हिन करे विझंदा आहियूं कि ही तमाम फ़ायदेमंद आहे, ब्लड जो ब्लड छिटो कंदी आहे, ठीक है, जीअं सनड़ो कंदी आहे, खून पतलो कंदी आहे ऐं तमामु सुठी शइ आहे ऐं जोड़नि जे मर्ज़ जे लाइ हर शइ जे लाइ मुफ़ीद आहे, त हल्दी जो इस्तेमालु वधीक कंदा कयो खाधनि में, ठीक है। छोले डाल दिए, इसको भूनना है अच्छी तरह। देखें छोलो का कलर बिल्कुल वही लग रहा है जो ये मार्केट में स्टील की बाल्टियों में, अब तो पता ही है नहीं, हम छोटे होते थे खाते भी थे कि स्टील की बाल्टियों में बेच रहे होते थे, उसके ऊपर मसाला चिपका हुआ होता था, तो वो क्यों होता था चिपका हुआ मसाला, ड्राई से छोले होते थे क्योंकि उसके ऊपर बेसन डाला जाता है आखिर में, तो वो भी हम डालेंगे। ये बिल्कुल टिपिकल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि रमज़ान में ही बनाएं, उसके अलावा भी ये रेसिपी सारी लिख के रखें। अच्छा आपको दोबारा बता दूँ कि आप लिखेंगे SindhTVHD, SindhTVHD बगैर स्पेस से लिखेंगे, डी फॉर डॉल, ठीक है। SindhTVHD लिखेंगे, फॉर्मेट खुलेगा, उसमें सारे लाइव शोज जो रमज़ान के हमारे जा रहे हैं
वो सब आपको मिल सकते हैं मेरे किचन के फर्स्ट रमज़ान से आज तक के सारे शो डेली अपग्रेड हो रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं इस पर, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ लाइट का इशू है, आप SindhTVHD लिखेंगे, पेज खुलेगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। कुकिंग अफ्तार विद फैसल के नाम से होगा, ठीक है, कुकिंग विद फैसल नहीं होगा, अफ्तार विद फैसल करेंगे तो वो आ जाएगा। और बाकी हमारे दमादम जो हो रहा है, लाइव ट्रांसमिशन हो रही है, शहरी ट्रांसमिशन, सारे उसमें प्रोग्राम ड्रामे वगैरह हर चीज़ वहाँ अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर लाइट का आपको इशू है, ठीक है। डेली के प्रोग्राम वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, ये वाला प्रोग्राम भी अभी अपलोड हो जाएगा रात तक इंशाल्लाह। इसको भूनना है, जब इसका पानी ड्राई होने लगेगा तेज़ आंच पे, फिर हम इसमें क्या डालेंगे, इमली का पेस्ट 3 खाने के चम्मच। कॉल भी उठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फैसल भाई? शबाना हनी बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, मजे में। आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक, मौसम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, तो बारिश हुई है हल्की बूंदाबांदी। आप किस एरिया में है? हम वाटर पंप पर। अच्छा, अभी हो रही होगी, मैं गुलशन में रहता हूँ, लेकिन मैं जब आ रहा था तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, धूप थी बहुत ज्यादा। अच्छा, नहीं अभी रात में हुई है। रात में भी हुई हो, क्योंकि न्यूज में देख रहा था रात में, उसमें था कि आइंदा जो दिन आने वाले हैं और कल से जो स्टार्ट हो रहा है सिस्टम, तो बादल रहेंगे और मौसम अच्छा हो जाएगा कराची का। माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत बरस ही गई, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा फैसल भाई, आपके सवाल का जवाब देना है। बिल्कुल दीजिए। जुमे की नमाज। अच्छा ठीक है शबाना, नोट कर लेते हैं, फिर लास्ट में जिस तरह हमारा प्रोसेस होता है ना, उस तरह बताएंगे। ठीक है। अच्छा फैसल भाई, मेरा है ना गिफ्ट हैम्पर मैंने विन किया था 19 मई को, ठीक है, तो वो मुझे अभी तक मिला नहीं है। अच्छा आप नोट करवा लें, अगेन होल्ड पे रहिएगा और कंट्रोल रूम में नोट करा लें, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा हे दिसो, इनके गिदामड़ी जो पेस्ट भी तो ट्रे खाने जा चमचा, ठीक है, इनके भुंजनो है 5 मिनट ताई, 5 मिनट तक इसको भूनते रहें। इमली का पल्प डालने के बाद अब हमने इसमें क्या करना है, बेसन डालना है, 2 खाने के चम्मच बेसन डाल के इसको मिक्स करते रहें, ठीक है, बेसन डालें, बेसन विदो बखैंड जा चमचा आहिन के मिक्स कंधा रह जो आराम अमसन के मिक्स के हो। बेसन डालने के बाद आप इसको मिक्स करते रहें, इसके ऊपर देखें ये बन गया मसाला हमारा तैयार। और इसके बाद हमने इसमें क्या डालना है, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, 1 खाने के चम्मच चाट मसाला वो डाल रहा हूँ जो मैंने बनाया था, मैं 2 टेबल स्पून डाल रहा हूँ, चटपटा हो जाएगा और मसाला इस पर चिपक जाएगा क्योंकि इस पर बेसन डाला हुआ, ठीक है। ये हो गए ड्राई से छोले तैयार। अब हमने इसमें क्या डालना है, हरा धनिया और हरी मिर्च, 2 अदद हरी मिर्च चॉप की भी डाल रहा हूँ, और हरा धनिया बच्चों के लिए अगर निकालने तो पहले ही निकाल दीजिएगा, ठीक है। हरा धनिया गया और हरी मिर्च, सावा धाना, साई मिर्च, ठीक है, हरी सोस, ज़बरदस्त चाट तैयार थी भाई, फ्राइड चना तमाम सुटी। ये रेसिपी है आइन के कटूत बॉल में, वो अचूता सेकंड रेसिपी थे। आपने बॉल कहाँ रख दिया खला यार? हमारी जो मासी है ना, ये भी बड़ी मज़ेदार है, हर चीज़ भूल जाती है रख के, और फिर मुझे ही ढूंढना पड़ता है। सही है, ये हो गया हमारी चाट तैयार, ठीक है, हे ॾिसो ज़बरदस्त चाट के लिए ड्राई आई तमाम ज़बरदस्त आए, हिन खे तव्हां ज़रूरु ठाहिजो, पोइ मूंखे ॿुधाइजो ऐं सुबुह जो 7 बजे रिपीट में ॾिसजो, कुकिंग विद शेफ सां मुंहिंजो पेज आहे, हुते रेसिपी अपलोड थींदी ऐं हाणे यूट्यूब ते बि हीअ रेसिपीज़ तव्हांखे मिली वेंदियूं, ठीकु आहे। हुते तव्हां HD में वेंदो, SindhTVHD लिखंदो बग़ैर स्पेस जे, त तव्हांखे मिली वेंदो। अगरि हीउ न पियो सम्झ अचे त पोइ तव्हां छा कजो, गूगल ते वेंदो, हुते लिखिजो अफ्तार विद फैसल SindhTV, ईअं बि खोलंदो त खुली वेंदो, छोकी मां करे ॾिठो हो राति जो, ठीकु आहे, हे बि तरीक़ेकार आहे, हुते बि तव्हांखे प्रोग्राम सॼो मिली वेंदो। हटाए था छॾूं मसाला, हाणे अचूं था ब्रेड रोल ते, ठीकु आहे, हीअ हमारी चाट तयारु हो गई, अब आते हम ब्रेड रोल पे, ब्रेड रोल किस तरह बनाने, ब्रेड रोल सॉरी कह रहा हूँ, ब्रेड बॉल्स किस तरह बनाने हैं, ठीक है, ये भी पकौड़े ही होते हैं एक तरह से, ऑयल गर्म करने रखते हैं हल्की आँच पे, ऑयल गर्म कर रखी था छूँ हल्की बाहे थे, ठीक है, ये हल्की आंच पे पैसिफिक कुकिंग ऑयल मैंने गरम करने रखा है क्योंकि विटामिन ए ई और डी से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल से पाक है, ज़बरदस्त ये कुकिंग ऑयल है, इसको हल्की आंच पे गरम करते हैं और इसमें फिर हम बनाएंगे अपनी रेसिपीज। अच्छा ये ब्रेड के किनारे हटा देने हमें, डबल रोटी जा किनारा जो कैन ये लाई छो, ठीक है, डबल रोटी के साइड्स जो हैं आपने हटा देने इस तरह करके, ठीक है, डबल रोटी जा साइड्स हटाई छो ब्राउन वारा, आई ये ब्राउन हिस्सा ज़ाया ना कजो, ये तहां खाई सको था कें भी शे में विझी सको था, सजा इन जा किनारा हटाईंदा वेंदासी आराम आराम से, ठीक है, आराम आराम से ब्रेड के किनारे हटाते जाएं,
ये ब्रेक जो टाइम थियो करे ना जी शॉर्ट ब्रेक पर था जैसे मैं ब्रेड के कटिंग किया तो इनका कोई बॉल्स ठंगा से